नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा आपको अपने सबसे एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट के बारे में जो हमने रिसेंटली किया था। ये करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री को मैं बहुत टाइम से जान रहा हूँ, स्पेशली बॉडी बिल्डिंग में था मैं। बॉडी बिल्डिंग यहाँ का इंडिया का है नहीं स्पोर्ट, बाहर से आया है। तो बॉडी बिल्डिंग में क्या आप सिर्फ अच्छा दिखना होता आपने, बट वो मैंने किया, कम्पीट किया, लेकिन धीरे धीरे देखा कि अच्छा तो दिख रहे हैं आप, लेकिन अंदर से जो हेल्थ है आपकी उसका कल्चर बाहर है ही नहीं। उसमें कोई आपको बाहर बताया गया नहीं कि अंदर की हेल्थ के लिए क्या करना है आपने। अंदर की हेल्थ आपकी इंटरनल बॉडी की हेल्थ, जिससे आप ज़्यादा साल तक जी सकें, ज़्यादा अच्छी लाइफ जी सकें, वो सिर्फ सारे खजाने हमारे इंडिया में पुराने दादी माँ के नुस्खे और हमारी किताबों में, आयुर्वेदा में, ग्रंथों में छुपे हुए थे। तो एक बड़ा जिज्ञासा हुई कि अब वो पाथ छोड़ के बॉडी बिल्डिंग का, कि बाहर से अच्छा दिखना है, इस पाथ की ओर भी जर्नी लेते हैं। क्योंकि जब एज बढ़ जाती है तो ज़िंदगी भर आप लिफ्टिंग नहीं कर सकते, और अच्छा दिखना होता है बच्चों के साथ, बच्चों के होने के बाद बच्चों को भी अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छा एक हेल्थ देना होता है। प्लस हमारे आजकल पैकेट फूड इतना आ गया है, कुछ भी हम खाते हैं पैकेट फूड आता है। गट हेल्थ के बारे में हम अगर बात करें तो इतने सारे गट बैक्टीरिया हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। आप देखेंगे बहुत लोग होते हैं जरा सा बाहर खाते बीमार हो जाते हैं, बहुत लोग होते हैं कि वेट नहीं चढ़ता, बहुत लोग होते हैं कि कुछ भी खा ले पतले रहते हैं, थोड़ा सा खा ले कुछ लोग मोटे रहते हैं। तो यार ये गट की हेल्थ जो होती है ना, ये कहीं बात नहीं होती इसके बारे में। धीरे धीरे करते करते फिर मैंने इंडिया की क्या साइंस थी पुरानी, कैसे खाना बनता था, सॉइल का न्यूट्रिशन क्या था, वो पढ़ना चालू किया। एंड बहुत कुछ, इतनी मोटी मेरी किताब बन चुकी है। फिर मेरे को घी में बहुत इंटरेस्ट आया क्योंकि घी एक ऐसा पदार्थ है जिसका वर्णन वेदाओं में है। घी का मेडिसिनल यूज भी है, थेरोपेटिक यूज भी है, यज्ञ में भी करते हैं, भगवान की आरती भी, क्योंकि इतना प्योर है ये। लेकिन जब हर चीज़ एक मास प्रोडक्शन पे होती है, बैच में होती है, तो वो उतना प्योर रह नहीं जाता। तो इसी के बारे में वीडियो है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। और सब गाइस वेलकम बैक, चलते हैं अपने फार्म पे। तो ये अपना फार्म, और इसकी जय करते हैं पहले। जय फार्म। तो हम लोग आ रहे हैं अभी 15 दिन बाद, पिछली बार जब आए थे फार्म देख के गए थे, एंड फाइनली हमने फार्म ले लिया है। और बताऊंगा टोटल कितने का पड़ा और क्या क्या यहाँ कर रहे हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्यों लिए हैं, क्या करेंगे। कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है, ये थोड़े से हम लोग रहने के लिए बना रहे हैं घर। ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे एक पावर हाउस बनेगा ताकि पूरी पावर अच्छे से जाए। प्लान बहुत कुछ है, इस एरिया में पूरी ऑर्गेनिक गार्डनिंग करेंगे हम लोग। ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा वेयर हाउस होगा। आई थिंक थोड़ा जल्दी है, स्लोली होल्ड। ये अपनी एंट्री हो गई, यहाँ से हम लोग आ गए नीचे। ये अपना रूम्स बन रहे हैं जो वहाँ काम करेंगे उनके लिए। ये उन जगह वॉशरूम किनारे। तो एक बार आपको बताया था कि यार ये हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली अगर आप मुझे जानते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ कि सोने की चिड़िया हमारा देश था, उसको लूट के ले गए, बाहर से लोग आए, एंड हमारा खान पान बहुत बिगड़ चुका है। और जो चीज़ आयुर्वेदा में है, ट्रस्ट मी द इंटायर वर्ल्ड इज़ गोइंग टूवर्ड्स हेल्दी ईटिंग बैक। एंड आप देख लेना, हेल्दी ईटिंग जो हमारी आयुर्वेदा में लिखी है, वैसे हेल्दी ईटिंग मॉडर्न साइंस नहीं बना पाया। हमारे यहाँ हीरे और खजाने छुपे हुए हैं हमारी ग्रंथों में। क्योंकि आप अगर देखें, पहले के ज़माने में लोग 100 साल तो मिनिमम जीते जीते थे। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता था, उसका न्यूट्रिशन हम होल्ड करते थे। घी, देसी घी को वेदाओं में अमृत बोला गया, घृत को अमृत से कंपेयर किया गया, कि जो देवताओं के लिए जो अमृत था, वही इंसानों के लिए भगवान ने देसी घी को माना गया। यहाँ पे हमारा ये प्लान है यार कि वी शुड रिवाइव द ओल्डन ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। एंड ट्रस्ट मी, मेरा ऐसा मानना है कि अब अगले 20 साल इंडिया का टाइम है। 20 साल में हमें काम करके जो यूथ है यहाँ का, हम इसको सोने की चिड़िया बना सकते हैं। देखिए किसी भी सेक्टर में, ना सिर्फ इसी सेक्टर में नहीं, आप ट्रैवल में देख लीजिए, फाइनेंस में देख लीजिए, सारी कंपनियाँ इंडिया आके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना चाहती हैं। एंड दैट इज़ अ साइन दैट एनर्जी वॉज विद द वेस्ट, एंड नाउ इट इज़ इंडियाज़ टाइम टू गेट बैक एंड बिकम द पावर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। यार यहाँ हमारा एम है कि एक फार्म सेटअप करेंगे प्रॉपर, जहाँ पे हम शुद्ध देसी गिर गाय ला के यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए ये बाहर वाली गाय, ये जो फ्री ग्रेजिंग कर रही है यहाँ पे, ये हम लोग एरिया ऐसे बना भी फ्री ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो हमारी जो गाय आएंगी वो यहाँ पे प्रॉपर फ्री ग्रेजिंग करेंगी, एंड प्योरेस्ट क्वालिटी का शुद्ध गाय का देसी घी, कोई मिलावट नहीं, कोई एडिटिव्स नहीं। कोई आजकल देसी घी में कलर के लिए डाल देते हैं कुछ, स्मेल के लिए कुछ डाल देते हैं, कुछ ना कुछ हर चीज़ में पड़ता ही है, और उतने अमाउंट में पड़ता है जैसे अलाउड बाय रेगुलेशन, तो वो डाल ही देते हैं। सो पिछले बहुत टाइम से मैं इसी रिसर्च में लगा। अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखें, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखते हैं, मैं ये सब रिसर्च पढ़ता ही रहता हूँ, काम करता रहता हूँ। स्पेशली जब मेरे बच्चे हुए तो मैं हमेशा से आई वॉज लुकिंग कि यार हेल्दी ऑप्शन क्या है खाने के, क्या दे सकते हैं बच्चों को, क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, जो टेस्टी भी हो। फिर करते करते गाड़ी रुकी यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ मैंने कभी बताई नहीं, खैर कभी और बताऊँगा वो।
वो मेरी दादी की कहानी है जो अनडिवाइडेड इंडिया से यहाँ पे आई थी। तो यार ये पूरा बड़ा सा फार्म है और इसकी वैल्यू जान के आप हैरान हो जाएंगे। मतलब ये हमने मतलब मैंने भी नहीं लिया, देयर इज अ पार्टनर को कि जब लास्ट टाइम मैं देखने आया था मुझे कहा मुझे छोटा फार्म चाहिए, मुझे तो बड़ा फार्म चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मेल किया तो पता नहीं न्यूज़ ट्रैवल्ड एंड फिर हमने एक पार्टनर के साथ किया तो ही वाज आल्सो इंटरेस्टेड, वी वर आल्सो इंटरेस्टेड, तो हमने मिल के इसमें इन्वेस्ट किया और काफ़ी अच्छा खासा हेल्दी फैट अमाउंट यहाँ चला गया है। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ हो क्या कह रहा है, काम चालू हो गया है एक्चुअली। यहाँ पे गड्ढे हो रहे हैं, यहाँ पिलर बना के ऊपर इस ये जो दीवार है ना ये वाली इसको एक्सटेंड कर देंगे, ये यहाँ से बढ़ जाएगी और ये एरिया हम बंद कर देंगे स्पेशली और वहाँ से आगे खुला रहेगा। तो यहाँ पे हमारा फ्री ग्रेजिंग काउस का ये एरिया रहेगा। क्योंकि आजकल आप कहीं भी जाएंगे तो काउस का खाना वो बंद ही होती है। देखो बेसिकली दूध इतना काउ कितना अच्छा देगी, जितना वो खुश रहेगी, जितना हेल्दी रहेगी। तो दिस इज़ आर काउ ग्रेजिंग एरिया, ये सभी बाहर की हैं लगा हुआ है, कुछ ना कुछ बाहर से लोग आते हैं खिला के चले जाते हैं। सो हम यहाँ पे प्योर शुद्ध देसी नस्ल की गिर काउ लाएंगे, आगे हमें हम जल्दी लाएंगे, मार्च में हम गाय का काम शुरू कर देंगे। तो अगर आप किसी को जानते हैं जो गिर काउ प्योर नस्ल की काउ में डील करते हैं, यू कैन गेट इन टच विद अस, मार्च में हमें वो करना ही करना है। और जो 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 घी अमृत बोला गया ना वो शुद्ध देसी काउ का घी होता है। देखिए घी बहुत तरीके से बनता है, जब बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्या करती हैं इंडिया में भी मिल्क को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज़ोर से स्पिन करती हैं तो उसकी क्रीम निकल आती है। जैसे अगर आप बाज़ार में जो क्रीम खरीदते हैं ना वो क्रीम निकल आती है, क्रीम को गर्म करके फिर उससे मक्खन बनता है और क्रीम को डायरेक्ट गर्म करके वो घी बना देते हैं। लेकिन अगर आप अपने दादी से पूछेंगे या कहीं गाँव में जाएंगे ना तो आप देखेंगे पहले वो मिल्क को दही बनाते हैं, दही से मक्खन बनाते हैं और फिर उससे घी बनता है। और वही असली तरीका है देसी घी बनाने का। बाकी जो भी आप खा रहे हैं उसको सिर्फ घी बोलते हैं या फिर बटर ऑयल बोलते हैं। ये जो गायें भी पीछे आप देख रहे हैं सारी, ये इसमें से कोई भी देसी गाय नहीं है, इन गायों का किसी का भी हम्प नहीं है। अगर आप देखेंगे ये देखिए किसी का भी हम्प नहीं है, तो दीज आर नॉट देसी गाय। हिंदुस्तान में दो दो क्रांतियाँ आई थी, एक हरित क्रांति आई थी और एक वाइट रेवोल्यूशन आया था एग्रीकल्चर का और दूध का। जब दूध का आया था तो गुजरात में चालू हुआ था वो, जिसको हम आज अमूल के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारी देसी गायों की नस्ल ख़राब हो गई और एचएफ गायें बहुत सारी आ गई। तो क्या वो दूध ज़्यादा देती हैं, एंड वेस्ट में चीज़ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लेवल पे करते हैं। तो एचएफ गाय जो है दूध बहुत देती है, देसी गाय दूध उतना नहीं देती। तो देसी गाय का लेकिन दूध होता है वो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। और जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं उसमें मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कि मे बी दे आर नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट, वो A1 और A2 प्रोटीन का डिफरेंस होता है। जो A2 प्रोटीन होता है वो सिर्फ देसी गाय में मिलता है और जो A1 प्रोटीन होता है वो HF और जर्सी गाय में मिलता है। फनी बात यह है कि हम इतने ज़्यादा यूज्ड हो चुके हैं कि मलाई से घी बनाने का। देखिए आजकल इतनी दौड़ा भागी की ज़िंदगी है, घर पे हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं फिर भी घर नहीं चल रहा, तो हम घर पे नहीं बना सकते, हम नहीं बना सकते मिट्टी के बर्तनों में कंडे उबाल के स्लो कुकिंग करके हारे की दाल जैसी गाँव में बनती है। हम शहरों की लाइफ तेज हो चुकी है। वी हैव डिसाइडेड की टू ब्रिंग बैक द गुडनेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ इंडिया बैक टू आर प्लेस जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। अच्छी चीज़ खाएंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और सबसे बकर मचाते हैं ये लोग यहाँ पे, जो अभी भैया रहते हैं कहते हैं हम लोग यहाँ खूब कुछ लगाते हैं, जो भी ये सारे बकर ये सब खा जाते हैं। तो यहाँ पे अभी फेंसिंग कराएंगे। तो मैंने कहा भैया इसका जुगाड़ क्या है, कहते हैं जुगाड़ ये है कि इसमें करंट वाली तार लगाते हैं। मैंने कहा भैया करंट वाली तार तो नहीं लगा सकते, बंदर वंदर हैं यार ऐसे कैसे लगा देंगे। कहते नहीं वो बहुत लो वोल्टेज होता है तो इनको झन्नाटा मारता है हल्का सा, बट दे डोंट डाई एंड ऑल। तो मैंने कहा ठीक है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली वो हर फार्म में लगती है, हर खेत में लगती है। तो मैं बहुत सारे कृषि वाले चैनल भी अब फॉलो करने लगा हूँ, तो मैं कृषि में भी इंटरेस्ट आ गया, कृषि भी थोड़ा बहुत देखने लगा। हमें इतना आदत हो गया है कि हम मलाई से दूध बनाते हैं, क्योंकि एक बंदे ने कमेंट किया था भाई इनको पता ही नहीं है घी मलाई से ही बनता है, दही से घी कैसे बन सकता। तो मतलब हमारी जो ओल्डर रूट से कनेक्शन है इतना ज़्यादा टूट चुका है कि जो असली बात पर हम यकीन ही नहीं करते। जैसे कोई अगर शुरू से नकली नोट चला रहा हो उसके हाथ में असली नोट जब आएगा ना तो वो असली नोट पर यकीन ही नहीं करेगा, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं असली नोट। तो ये चीज़ है। चलो आपको फार्म दिखाता हूँ, मैं किसी को बुला लेता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा आपको समझा पाएगा। जो आपको दिख रहा है पहला, ये हमारे तीन बड़े स्टोरेज एरिया है, यहाँ पे सारा रॉ मटेरियल स्टोर होगा, जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है हमारा, पैकेजिंग की बॉटलिंग होगी, सब कुछ यहाँ स्टोर होगा। बहुत काम होना बाकी, अभी बहुत टाइम लगेगा उसको स्टार्ट होने में, बट हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी हो यहाँ सारा पैकेजिंग, गत्ता फोम टूटे ना, कांच का सामान ये वो सब कुछ होगा यहाँ पे। तो इस वाले एरिया में जो भी ड्राई फॉडर होता है काऊ का सूखा चारा, ठीक है सूखा चारा। और लास्ट वाले में वो बेसिकली हमारा जो घी मेकिंग के लिए यूज होगा। एक बार इसको भी खोल के देखते हैं अंदर से है कैसा, इसमें तो भरा हुआ है भूसा। ओ भाई ये तो फूल है ऑलरेडी, ये फूल है भाई, या तो मस्त चूहे हुए रहते होंगे अभी लेकिन बहुत भरा हुआ यार। हाँ। तो पहले यहाँ पे एक्चुअली फार्म ही था,
काउ का, बट जिनका था उन्होंने बंद कर दिया कोविड के बाद, उन्होंने रन नहीं किया, तो अभी हमने उनसे ले लिया। ये है तीसरा, इसमें तीन है ना, एक एक दो तीन। तो यहाँ पे मेनली हमारा घी मैन्युफैक्चर होगा। यहाँ पे जो हम प्लान कर रहे हैं पूरा ट्रेडिशनल तरीके से, वैदिक तरीके से, ओल्ड ट्रेडिशंस को, ओल्ड खजाने को वापस रिवाइव करना है, एंड वो पूरा यहाँ पे होगा। प्रॉपर घी मेकिंग होगी, स्लो कुकिंग, मिट्टी के बर्तन से, बिलोना मेथड। बिलोना अगर आपने दादी को पूछेंगे ना, उनको ज़रूर याद होगा। मेरी दादी ऐसे निकालती थी बिलोने से ऐसे करके, फिर हाथ में ऐसे मक्खन करती थी, दादी का मजाक उड़ाते थे। और वो मक्खन का स्वाद अगर आप खाएंगे ना, बहुत अमेजिंग होता है, तो उससे घी निकलेगा, एंड देन इंटायर प्रोसेस विल बी डन इनसाइड। ये एरिया भी काफ़ी बना हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, यहाँ भी उपले पड़े हुए, तो हमको उपलों की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब घी हम बनाएंगे कोशिश यही रहेगी कि जितना टाइम हम कर सके हम उसको उपलों से ही बनाएं, एंड ये सब खाली कर देंगे बेसिकली। यहाँ पे एक में उपले स्टोर करेंगे, लेकिन एक में यहाँ बनेगी क्रिकेट पिच, यहाँ पे लगा देंगे नेट, मतलब बनाई हुआ है मोस्ट प्रॉब्ली। या तो बॉलिंग मशीन लेंगे, या फिर आसपास से गांव से लोगों को बुला लेंगे, बॉल डालेंगे, हम यहाँ क्रिकेट खेलेंगे। तो ये अपना मेन फार्म है, यहाँ से चलते हैं। ये पूरी अभी रिपेयर चल रही है, गेट वेट नए लगाए गए, लास्ट टाइम हम लोग आए थे ये सारे टेढ़े थे, अभी पूरे वो निकाल के रिपेयर करके भैया इसको वेल्डिंग मार रहे हैं, ये पूरे सीधे कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन हो जाए, फिर एक बार मार के इसको पेंटिंग वेंटिंग होगी। तो ये मेन एरिया जो है यहाँ पे हमारा काउस का एरिया है, अभी तो ये बहुत बड़ा है और यहाँ पे आराम से 250 काउ आ सकती है, लेकिन हम लोग उतना ही स्टार्ट करेंगे जितना हम अभी शुरू में कर सकते हैं। तो ये एरिया यहाँ पे काउ का एरिया है, हम वैसे अपनी सारी काउ उस तरफ रखेंगे, लेकिन ये खाने का ये लगा के हुए हैं, तो काउ नीचे से गर्दन डालती है, यहाँ पे उसका चारा आप लगा सकते हैं, क्योंकि दिन में अगर वो हर टाइम फ्री ग्रेजिंग ना करना चाहे, कभी बारिश हो रही है या गर्मी बहुत है, तो वो शेड में भी खाती है, तो गर्दन यहाँ से निकाल के वो खा लेगी, और मतलब वो गिराती बहुत है, फैलाती बहुत है, तो ये लगा रहता है, तो फिर काओ अपना आराम से करती है। और ये आप शेड देख रहे हैं, प्रॉपर एक काओ शेड ही बना हुआ है, और जिनसे हमने ये फार्म लिया वो कह रहे हैं हमने किसी स्विस इंजीनियर को बुला के पूरा कराया था। ऊपर आप देख सकते हैं पूरा वेंटिलेशन है, ये पूरा लाइट आती है यहाँ से, हवा आती है, एंड पूरा यहाँ वेंटिलेटेड है। और यहाँ पे गर्मियों के लिए एक स्प्रिंग भी लगवाएंगे, छोटा सा स्प्रिंग लगवाएंगे, एंड वो घूमने वाला होता है ताकि गायों का स्नान हो सके, खुजली उजली करती हैं वो कर सके। एंड मेनली हमारे लिए फ़िलहाल हम लोग इनिशियल प्लान है, ये जो एरिया देख रहे हैं हमारा अभी प्लान है, इनिशियली हम इतने को ही यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे गेट बना देंगे, अपना नीचे गई ग्रेजिंग करी, जैसे वो गायस कह रहा हूँ मैं वो गाय जब भी ग्रेजिंग कर रही है, बंदर देखो कितने वहाँ बकर मचा रहे, देखो खाने नहीं देते, यहाँ जो वर्कर काम भी करते हैं ना, बंदरों का खाना वाना लेके भाग जाते हैं। तो ये हो जाएगा, एंड इतना एरिया हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे भी खाना लग जाएगा, अगर बारिश हो रही है धूप है तो यहाँ खाना लग जाएगा। यहाँ से आप आ जाएंगे तो ये जो एरिया बना है हमारा, यहाँ पे मेनली ऑयल का सेक्शन होगा, क्योंकि हम घी के साथ साथ वुड प्रेस्ड ऑयल करने वाले हैं, जिसमें मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल इमिडिएटली स्टार्ट कर देंगे। तो ये एरिया है, यहाँ पे हम लोग मशीन्स लाएंगे जो हाईएस्ट क्वालिटी की आपकी मस्टर्ड सीड्स होते हैं, बहुत लार्ज स्केल पे अगर काम हो रहा है इंडस्ट्री में, जहाँ पे आपका बड़ी इंडस्ट्री है, आपके बिग प्लेयर्स हैं, बिग शॉट्स हैं, वो जब ग्राइंड करते हैं तो उनके मेटालिक पार्ट्स होते हैं, उनकी मशीनरी मेटल की होती है। उनका मेन एम होता है कि यार इंडिया में देखो यार 140 करोड़ जनता है, और सरसों का तेल तो नॉर्थ में बहुत खाते हैं, और कोकोनट ऑयल साउथ में बहुत चलता है, सो पूरी जनता का आपको अगर टेक केयर करना है तो यू हैव टू रोल आउट फास्ट। तो वो जो है जब क्रश करते हैं अपने सीड को, तो हीट बहुत जनरेट होती है, क्योंकि वो हाई रेवोल्यूशन हाई RPM पे करते हैं, और उसका फ़ायदा क्या, जब आप हाई RPM पे करेंगे जो केक निकलता है उसमें सिर्फ 5-6% का आपका ऑयल होता है, सारा वो तेल निचोड़ लेता है। लेकिन जब आप स्लो RPM पे करते हैं, वुड प्रेस में करते हैं, वुड तो इतना हार्ड भी नहीं होता, तो सीड उतना प्रेस नहीं होता, तो 25% तक ऑयल आपका उस केक में रह जाता है। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है, इसीलिए वुड प्रेस का ज़्यादा रहता है। और वुड प्रेस में क्या है, लो RPM रहता है, तो आपका जो तेल है ना, आप देखेंगे बहुत अलग टेक्स्चर का निकलता है, और वो तेल हाई क्वालिटी क्यों होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत लो होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही उसको निकालते हैं, और इसीलिए आप देखेंगे ये वुड प्रेस्ड ऑयल बहुत महंगे आते हैं, और खाने में ये हेल्दी होता है ज़्यादा। तो यहाँ पे पूरा वुड प्रेस का हमारा मशीन हम मंगवा रहे हैं, वो लग जाएंगी, इस तरफ ऑयल्स की पैकेजिंग कर देंगे जो भी हमारे ऑयल्स हैं। तो मेनली घी और ऑयल, फैट्स जो भी हैं, फैट्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट्स ने बहुत ही बुरा नाम अर्न कर लिया था, क्योंकि सारे साइंटिस्ट ने हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के ऊपर सारा भांडा फोड़ दिया था, लेकिन रिसेंट अभी जो स्टडी आ रही है, साइंटिस्ट फिर से स्टडी कर रहे हैं, शायद उन्होंने पहले गलत कर दी होगी, तो वो कह रहे हैं नहीं यार शुगर इज़ द कल्प्रिट, तो ट्राइग्लिसराइड के लिए भी अभी वो शुगर को कल्प्रिट मान रहे हैं, क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा डाइट में शुगर हो गई है, बाहर अब जाएं इतनी ज़्यादा शुगर हो गई है। एंड घी के बारे में मैंने पहले ही बोला हुआ है, मेरे एक फ्रेंड है, उनके फादर को हाई BP रहता है, 4 महीने उन्होंने सुबह उठ के देसी घी खाया, मैं खुद भी अपने फादर को मैंने बोला, उनको भी बहुत फ़र्क है, मेरी मदर को भी बोला मैंने, बहुत फ़र्क है, सुबह उठ के देसी गाय का
देसी घी और उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको सुबह उठ के खाली पेट। घी में आपका हो गया ब्यूट्रिक एसिड, और जब आप खाते हैं खाली पेट सुबह और बिना ब्रश करके खाएं प्लीज़, तो जो मुंह में भी जो रात भर सलाइवा बना वो भी अंदर जाता है एंड वो आपके पूरी अंदर की लाइनिंग को लुब्रिकेट कर देता है। देखिए आने वाले 10 साल ना, आपने सुना होगा, वैसे मेरे पापा हमेशा कहते हैं सारी बीमारियाँ पेट से लिंक होती हैं। तो पेट से क्यों लिंक होती हैं, मतलब बेसिकली गट की बात करते हैं वो। तो जब गट आपका हेल्दी रहेगा तो सब कुछ ही हेल्दी रहेगा। तो ब्यूट्रिक एसिड इज़ वेरी गुड फॉर गट। यहाँ पे एक्चुअली पुराना ही जब यहाँ पे फार्म था तो कुछ करते थे, बट वी हैव नॉट थॉट कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, प्रॉब्लम इसको क्लोज कर देंगे अभी। एंड यहाँ से एक हम एंट्रेंस रखेंगे, वो हमारा मेन एंट्री वाला गेट हो गया, जो आपको मैंने दिखाया था वो मेन एंट्री वाला गेट हो गया हमारा। ये देखो ये बंदर भी फ्री ग्रेजिंग कर रहे हैं देखो। तो ये भैया गडरिया अपना ये काउज लेके आए हैं। हाँ, तो वहाँ से एंट्री हुई एंड एक हम यहाँ से पाथ बना देंगे, ये पूरा एंट्री बन जाएगी। ये पूरा ऑयल सेक्शन हो गया, यहाँ से अगर आप अंदर आएंगे तो फिलहाल तो यहाँ पे अभी थोड़ा अंधेरा है। यहाँ पे भैया जो काम कर रहे हैं उनका किचन और यहाँ पे बेडरूम स्थापित है, तो ये हमारा ऑफिस एरिया बन जाएगा। कुछ मशीन्स यहाँ ऑलरेडी पहले से हैं, तो हमारी बात हो गई है जो मैन्युफैक्चरर है मशीन्स के, वो कह रहे हैं इसको आके हम रिवाइव कर देंगे। तो ये पूरा आपका फैट सेक्शन है, यहाँ पे बॉटलिंग हो जाएगी उसकी और यहाँ पैकेजिंग हो जाएगी। ये कन्वेनर बेल्ट है, इसके अंदर बॉटल लगेगी, घूम घूम के इसमें वो अपना स्टिकर चिपकेगा और यहाँ से निकाल देंगे। बाकी देखते हैं कितना इसमें यूज़फुल है कितना नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम से चली नहीं, तो वी डोंट नो। एक गेट यहाँ पे है, तो मेन ऑफिस की एंट्री यहाँ से होगी। जो भी कल को हमारे फार्म अगर कोई विजिट करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि हम कैसे कर रहे हैं, बिकॉज यार हमारा सब कुछ ओपन है जो भी आपके सामने है, तो आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं कि ऑफिस रहेगा एंड देन वी कैन गो ऑन अ फार्म ट्रिप। ऊपर आ जाएंगे तो ऊपर ऑफिस के ऊपर हम खुद का एक रूम बना रहे हैं, क्योंकि यार ये हमें दिल्ली से ना मुझे 3.5 घंटे लग गए ड्राइव करने को, तो एक दिन में आना जाना करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर यहाँ पे है सो लिए, यहीं पे एक रूम बन गया, काम वाम चल रहा है, काम देख लिया अपना। वो सामने देख रहे हैं वो जो पूरा हमारा काउ शेड है, काउ शेड के पूरे ऊपर हम सोच रहे हैं, अभी नहीं, ये एक बार रनिंग हो जाए 3-4 महीने में हो जाए, हमें लगे हाँ उसके पूरा ऊपर हम सोलर पैनल लगा देंगे। यहाँ काम हो चुका है, लास्ट टाइम आए थे पूरे पत्थर थे यहाँ पे, यहाँ भी पूरा बन गया। यहाँ मस्त शाम को हम बैठ के चाय पिया करेंगे। ये पूरा काम हो गया, यहाँ सीमेंट का पूरा भरवा दिया है एंड सामने खेती खेत हैं, पूरा ये खेत एरिया है। गन्ने की खेती बहुत होती है यहाँ पे, देखिए ट्रैक्टर से वो अपना गन्ना वन्ना ले जा रहा है। ये एरिया नीचे आम के पेड़ है, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा खेती ही करेंगे सोच रहे हैं। वो सामने जो बन रहा है वो गार्ड रूम बन रहा है, जो अभी लेबर काम कर रहे हैं और भी जो यहाँ पे स्टाफ काम करेगा सबका यहीं पे है। पीछे हमारा गोबर गैस प्लांट है, वो दिखाएंगे आपको हम। एंड ये पाथवे है, एक ये भी पाथवे है, ये सीधा ऑफिस में जाएगा, जो नीचे गेट था ये वो आ जाएगा। ये जो दो रूम बन रहे हैं इसको हम रेनोवेट कर देंगे, ये अपने रूम बन जाएंगे, यहाँ पे अंदर रुक सकते हैं। छोटी सी किचन भी है, बट ये मेरा फेवरेट एरिया है। तो अगर यहाँ से देखेंगे फार्म पूरा ऐसा दिखेगा, तो ये पूरा एरिया जो है मोर देन 10 एकर्स का है। इसमें जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कितना हैवी कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये शेड ही भाई लगता है 1-1.5 करोड़ का बना होगा ना, तो वो मतार थे जिन्होंने बनवाया था। तो ये पूरा जो अपने को पड़ा, दिस इज़ मोर देन वर्थ अराउंड 9-10 CR मान लो, क्योंकि जो ये यूज़ कर रहे थे उन्होंने कहा भाई आप कर लो, हम तो यूज़ नहीं कर रहे, तो थोड़ा उन्होंने हमें रियायत कर दी। बट अगर आप एक्चुअल प्राइस में लेने जाएंगे ना, अगर यहाँ रनिंग हो गया भाई, ये 10 CR की पूरी प्रॉपर्टी है विद एवरीथिंग बिल्ट। सामने वो देख रहे हैं वो फिलहाल जब रनिंग था तो गाँव के बेबीज़ के लिए था वो, कि बेबीज़ की जो स्पेशल नीड है वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बड़ी काऊ के साथ नहीं रखते एंड जब भी उनको दूध पीना होता तो खोल के फिर माँ के पास ले जाते हैं। लेकिन काऊ की एक स्पेशलिटी है, जब बछड़ा वो खोलेंगे ना और आप देखेंगे आप नहीं बचा पाएंगे, वो सीधा अपनी माँ के पास ही जाएगा, माँ के थन में लगता है वो। तो वो जो है बाउंड्री, वो हमारी दीवार टूट गई थी, तो सेफ्टी के लिए हम वो दीवार बनवा रहे हैं। एंड ये जो आप देख रहे हैं बीच में कुआं, ये गोबर गैस प्लांट बनेगा। एक्चुअली जो देसी गाय का गोबर होता है ना, उसमें भी इतनी वैरीज होती है, तो आप देखिए वो बर्निंग के भी काम आता है, मतलब किसी और एनिमल का जो डंग है किसी यूज़ का नहीं है, बदबू ही मारता है, लेकिन सिर्फ काऊ एक ऐसा एनिमल है जिसका यूरिन भी काम में आता है, काऊ डंग भी काम में आता है। जैसे यूरिन सोच के बहुत लोग हंसेंगे, आजकल जो ऑर्गेनिक आप सब्जियां खा रहे हैं, पेस्टिसाइड फ्री सामान खा रहे हैं, उसमें काउ यूरिन ही डलता है एज अ पेस्टिसाइड। जो पंचगव्य जो मटेरियल होता है, जो 5 चीज़ों से मिलके बनता है, जिसमें कि काउ डंग, काउ यूरिन, दही और 2 चीज़ें और डलती, मैं अभी बता दूंगा देख के, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो वो इट बिकम्स अ नेचुरल पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप्स, और वो जब डलता है तो कोई कीड़ा नहीं लगता। और बस बात यह है कि ये जो काऊ डंग और काऊ यूरिन है ना, वो HF काऊ का गलती से मत पी लेना, क्योंकि जो मेन बेनिफिट्स होते हैं वो देसी काऊ के ही होते हैं। तो ये एरिया है बाबी, इसको भी हम करेंगे रिवाइव, बट वी आर नॉट वेरी श्योर कि इसको अभी इमीडिएटली करेंगे कि नहीं, क्योंकि शुरू में तो हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ काउज लेके आएंगे। ये जब जो बना हुआ है, ये जिन्होंने बनवाया था, ये 250 से 300 काऊ के हिसाब से जितना इसका स्केल है। देखो ऊपर बंदर, ये देखो बंदर है। तो हमें क्या है, हमें कोई लिमिटेशन नहीं है, हम इसको एक्सपैंड बहुत जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा हमारे पास और ये कितना खाली एरिया। यहाँ भगवान की दया से टच वुड अगर सही हुआ रिस्पांस, तो हम
टक 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 इसको निपटा देंगे। यहाँ से ऑयल सेक्शन हो गया, ये काउ सेक्शन हो गया, यहाँ से नीचे आएंगे तो ये पूरा एरिया जो है ये हमारा पूरा गार्डनिंग सेक्शन रहेगा। यहाँ पे फल वल, यहाँ पे बता रहे भैया कि वो अंगूर की बेल भी थी, ये सब आम के पेड़ है, लेकिन अभी मज़े सिर्फ बंदर दे रहे हैं। जितने भी आम होते हैं मीठे मीठे, तो अंगूर सारे बंदर लेगा भाई। वहाँ पे भी बेल थी तो यहाँ पे तो सांप भी निकला था अभी, जो कुछ अभी काम कर रहे थे भैया उन्होंने मेरे को वीडियो भेजा, सांप वाप निकला, वो जो लेबर वाला रूम नहीं है, और इतना प्यारा सांप, कलर उसका देखेंगे ना लुई विटॉन का ब्रांडेड सांप निकला भाई, उसका कलर बिल्कुल एलवी का कलर था उसका। यहाँ पे कुछ ब्यूटिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे बढ़िया से फल वल लगाएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, एंड तो काम अभी बहुत बाकी है, लेकिन फटाफट करेंगे इसको, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसको शुरू करने के लिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इंडियंस वी डिज़र्व व्हाट आर एंसेस्टर्स गेव अस, द नॉलेज दे गेव अस, जो खजाना छोड़ के गए हैं, हमें बड़े ही सिस्टमेटिक वे में बैकवर्ड और अनपढ़ करार दे दिया गया पिछले 400-500 सालों में, लेकिन सारी नॉलेज यहीं थी। जितने भी आप संत महात्मा ऋषि मुनि देखिए, बहुत ज्ञानी थे, बाहर से लोग आते तो उनसे पढ़ने, बट ठीक है, वी विल गेट इट बैक। आई थिंक वंस द यूथ रियलाइजेज द पावर व्हाट वी हैव एंड वी वर्क हार्ड एंड फाइट फॉर इट, वी विल गेट इट बैक। फाइनली फार्म का काम डन, अभी निकलते हैं घर की ओर। वैसे प्लान तो था कि यहाँ रुकेंगे आज रात को, होटल की एक बात भी कर ली थी, लेकिन अभी यहाँ काम उतना है नहीं करने को, इट विल टेक वन मोर वीक, क्योंकि अभी यार दीवारें बन जाए, गेट लग जाए, उसके बाद मेन काम चालू। भाई आशीर्वाद देना आप लोग, सब लोग अपना, बाकी कर्म तो करना ही हमने, बाकी देखा जाएगा। भगवान का, प्रभु का नाम लेके अब शुरू कर दिया है, और इसीलिए कल अकाउंट में 5,000 रुपये नहीं बचे थे पेट्रोल भरवाने के लिए, क्योंकि सब कुछ लगा दिया हमने यहाँ पर। बहुत लोग बोलेंगे गौरव भाई ये तो रिस्क हो गया कि आपने सारा ही कुछ लगा दिया रिस्क। भाई मुझे लगता है हर आदमी स्टार्टअप कर सकता है, सब कुछ कर सकता है भाई। जब तुम भाई शादी से बड़ा रिस्क किसी चीज में है ही नहीं, जब तुम शादी कर सकते हो ना, तुम स्टार्टअप भी कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टअप में शादी से कम रिस्क। गाड़ी खड़ी करो पार्किंग में, उस तरफ का वाइपर उठा के लोग ना पर्चे लगा देते, वाइपर ही खराब होगा, साफ ही नहीं करता भाई उस साइड का। गाड़ी लड़ गई, ठीक है ना, खाली डब्बा गिरा था ना, अरे वो सामने हाई बीम मारी उसने, वो दिखाई नहीं कुछ यार। अच्छा लगी क्या उसपे? उसका डब्बा गिरा, ज्यादा नहीं लगा, टच ही हुआ खाली। रोड में ना हाई बीम मारते लोग, मेरे को एकदम से ब्लाइंड हो गया मैं। ये देखो भाई, ये सारी स्ट्रीट लाइट्स डिस्को लाइट बनी हुई है भाई, ताकि हाईवे पे पार्टी करते हुए जाए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, जगह कटता ही कटता हो कर, ये लाइन पीछे रहना है, फिर से 7 घंटा गाड़ी चलाई, घर पहुंच चुके हैं, बच्चे सो चुके हैं, रास्ते में टोपी पहना हुआ था, अब ऐसा लग रहा है टोपी मतलब सर में झन्नाट हो रही है, टोपी पहनी हुई है, अजीब सा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऋतु भी 2 बजे आएगी, फिर से उठना पड़ेगा। अपना ख्याल रखें, आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, और फार्म के बारे में और बहुत जल्दी बताएंगे आप।